अच्छा शहर जो कि मौज मस्ती के लिए जाना जाता है और बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं पटाया के बारे में, वहाँ की टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में, और साथ ही साथ मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि वहाँ पर जाने के लिए क्या बजट होना चाहिए। तो हेलो नमस्ते, क्या हाल चाल है बॉस, आइए मेरे साथ घूमिए पटाया। तो पटाया थाईलैंड देश का एक शहर है और बैंकॉक से ये 150 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये हमारी थाईलैंड सीरीज का तीसरा वीडियो है और यहाँ पर कैसे पहुँचना है, वीज़ा कैसे मिलता है और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको पिछले वीडियो में मिलेगी, जिनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इस वीडियो के बाद उसे देख सकते हैं। तो पटाया जाना जाता है यहाँ की नाइट लाइफ के लिए और टूरिस्ट अट्रैक्शन के। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ की क्या टूरिस्ट अट्रैक्शन है जहाँ पर आपको ज़रूर जाना चाहिए। सबसे पहले आप यहाँ पर पटाया बीच पर जा सकते हैं जो यहाँ की सबसे मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है। बहुत सारे टूरिस्ट आपको यहीं पर मिलेंगे। ये बीच बहुत ही खूबसूरत है और ज़्यादातर क्राउडेड रहता है। आप यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं और पटाया बीच के पास ही आप अपना होटल लेंगे जो कि सबसे बेस्ट लोकेशन पर आपको मिलेगा। यहाँ पर आपको होटल्स 2000-3000 में ठीक ठाक मिल जाएंगे। इससे कम में भी आपको होटल यहाँ पर मिलेंगे, उससे ज़्यादा में भी हैं, आपके बजट के हिसाब से आप जो भी लेना चाहें। इसके अलावा यहाँ पर घूमने के लिए अगर आपके पास इंटरनेशनल डीएल है तो आप यहाँ पर स्कूटी, बाइक और कार भी हायर कर सकते हैं, जो कि सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। तो पटाया में आप सबसे पहले सेंचुरी ऑफ ट्रुथ म्यूजियम जा सकते हैं और ये प्लेस सबसे ब्यूटीफुल प्लेस है। यहाँ की ये बिल्डिंग बहुत ही ब्यूटीफुल है। इस बिल्डिंग का जो पूरा कंस्ट्रक्शन है वो लकड़ी से किया गया है। यहाँ पर इस बिल्डिंग में जितने भी डिज़ाइन आपको, जितनी भी मूर्तियाँ आपको देखने को मिलेंगी, ये सब हाथ से बनाया गया है। यहाँ की एंट्री फीस है 500 बाट और इस म्यूजियम में आपको थाईलैंड की कुछ हिस्टोरिकल चीज़ों के बारे में जानने का मौका मिलेगा। अब ये 500 बाट क्या है, अगर आप इंडिया में रहते हैं तो यहाँ पर रुपीज़ चलता है, उसी तरह आप थाईलैंड में बात चलता है, थाई बात बोलते हैं इसे, और एक थाई बात के लिए आपको 2.29 रुपीज़ देने होते हैं, जो कि मैंने अपनी इस सीरीज़ की पहली वीडियो में बताया है। और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। अगली जो यहाँ की टूरिस्ट प्लेस है वो यहाँ का बिग बुद्धा टेम्पल है। बिग बुद्धा टेम्पल को आपने कई सारी मूवीज़ में, कई सारे वीडियोस में ज़रूर देखा होगा। बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पर ये स्थित है। यहाँ पर भगवान बुद्ध की बहुत बड़ी प्रतिमा बनी हुई है। ये प्लेस बहुत ही सुंदर है और आपको यहाँ पर ज़रूर जाना चाहिए। इसके बाद आप यहाँ के मिनी सियाम जा सकते हैं, जहाँ पर मैं आपको ज़रूर जाने को कहूँगा। यहाँ पर आपको दुनिया भर की कई सारी फेमस बिल्डिंग्स का छोटे छोटे स्टैचू दिखेंगे, जो कि देखने में एकदम से रियल लगते हैं यार, और एकदम मिनी वर्ल्ड बना रखा है इन्होंने। यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो एक्चुअल में रियल लगती हैं, जैसे कि ये लंदन वाला ब्रिज और ये मॉस्को की बिल्डिंग। इसकी एंट्री फीस 300 बात है। अगले नंबर पर आता है फ्लोटिंग मार्केट। बहुत समय की बात है, जब पटाया नदियों से घिरा हुआ था तब ऐसे ही लोग बोट पर बैठकर ही मार्केट जाया करते थे और ये आज भी बरकरार है। आप यहाँ पर नाव पर बैठकर ही मार्केट जा सकते हैं। काफी इंटरेस्टिंग प्लेस है, आप यहाँ पर जरूर जाएं। इसके अलावा आप यहाँ पर आर्ट ऑफ पैराडाइज जा सकते हैं, जहाँ पर आपको तरह तरह की विचित्र पेंटिंग देखने को मिलेंगी। भाई एकदम देखने में लगता है कि ये 3D पेंटिंग्स हैं और एक्चुअल में रियल लगता है ये सब। यहाँ पर आप कुछ फोटो वोटो खिंचा सकते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेस है। अगर आप फैमिली के साथ हैं तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे बहुत मज़ा आने वाला है। अब ये तो है कुछ पटाया की टूरिस्ट अट्रैक्शन, इसके अलावा यहाँ पर एक्टिविटी करने के लिए क्या क्या है। तो अगर आप स्काई डाइविंग के शौकीन हैं तो पटाया में आप ये भी कर सकते हैं। सच में इस एक्टिविटी में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इसे ज़रूर करिएगा। और अगर आप यहाँ पर और मज़ा लेना चाहते हो तो यहाँ के वाटर पार्क जा सकते हो। यहाँ पर एक कार्टून नेटवर्क एमेजोन वाटर पार्क है, जो कि वर्ल्ड का पहला कार्टून थीम पर बना हुआ वाटर पार्क है। फैमिली के साथ हो या फिर कपल हो, सबके लिए ये प्लेस बहुत ही अमेजिंग है और बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको यहाँ पर। इस पार्क की एंट्री फीस 425 बात है। अगली प्लेस का नाम है श्री रचा टाइगर जू,
और ये बहुत ही अमेजिंग प्लेस है। इनका कहना है कि इनके पास 200 से ज़्यादा टाइगर और 2000 क्रोकोडाइल हैं। इस जू में कई सारे शोज होते हैं, जैसे कि टाइगर शो, एलिफेंट शो, क्रोकोडाइल शो, और इस जू में आप टाइगर को लेकर वॉक पर भी जा सकते हो और बहुत ही मज़ा आएगा आपको अगर आप यहाँ पर जाते हैं। इसकी एंट्री फीस 400 अच्छी बात है। इसके बाद आप पटाया पार्क टावर जा सकते हैं, जो कि पटाया का सबसे बड़ा टावर है, जहाँ से आपको पूरे पटाया सिटी का बहुत ही अच्छा व्यू दिखेगा। साथ ही आप यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर टर्मिनल 21 मॉल जा सकते हैं। ये प्लेस बहुत ही इंटरेस्टिंग है इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपको हर कंट्री की मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन देखने को मिलेगी और ऐसा लगेगा कि मैं दूसरी कंट्री में आ गया। इसके बाद आप यहाँ पर जोंगटिन बीच जा सकते हैं। जोंगटिन बीच के पास एक नाइट मार्केट लगता है, जहाँ पर आपको जरूर जाना चाहिए। इसके अलावा अगर आप आइलैंड जाना चाहते हैं तो यहाँ के कोरल आइलैंड जा सकते हैं। और इन सभी के बाद यहाँ की जो सबसे फेमस, जिसके लिए बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, वो है यहाँ की नाइट लाइफ के बारे में, जो कि आपको पटाया वॉकिंग स्ट्रीट पर मिलेगी। ये स्ट्रीट बहुत ही लंबी है और आपको यहाँ पर हर तरह के शो मिलेंगे, रेस्टोरेंट्स, बार, और बिल्कुल चिल फुल मस्ती वाला माहौल रहता है। ये वॉकिंग स्ट्रीट पटाया में सबसे ज़्यादा फेमस है और ज़्यादातर टूरिस्ट सिर्फ इसी के लिए ही पटाया आते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ, ये सारी टूरिस्ट प्लेसेस भी हैं जिन्हें आप कवर ज़रूर करिएगा। ये वॉकिंग स्ट्रीट फेमस है यहाँ के बार्स, रेस्टोरेंट्स, एडल्ट शोज़ के बारे में, जहाँ पर आपको फुल एंजॉय मिलेगा। यहीं पर आप थाई मसाज भी करा सकते हैं, जो कि पूरे वर्ल्ड में फेमस है। और अब बात करते हैं कि पटाया में जाने के लिए आपके पास क्या बजट होना चाहिए। तो पटाया में मैंने सिंपली 4 days 3 nights का बजट बनाया हुआ है, जितने में आप आराम से पूरा पटाया घूम सकते हैं। आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी रुक सकते हैं। पहले दिन और दूसरे दिन आप यहाँ पर जो मैंने टूरिस्ट प्लेसेस बताई, आप यहाँ पर जा सकते हैं। तीसरे और चौथे दिन आप यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, वॉकिंग स्ट्रीट जा सकते हैं, आप चाहें तो आइलैंड टूर भी ले सकते हैं। पटाया में आप 3 nights रुकेंगे और 3 nights का जो होटल का खर्चा है वो 6,000 रुपये पड़ता है, और ये खर्चा कम ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप कौन सा होटल लेंगे। साथ ही बात करें यहाँ के पर खाने के लिए मील्स का क्या खर्चा होगा, तो आप यहाँ पर अगर 2 लोग हैं तो आपका 4,000 से 5,000 रुपये तक खर्चा होगा। और बात करें यहाँ के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो मैंने बताया कि अगर आपके पास इंटरनेशनल DL है तो आप यहाँ पर स्कूटी बाइक हायर कर सकते हैं, जो कि आपके लिए सबसे बेस्ट और सस्ता ऑप्शन रहेगा। ट्रांसपोर्टेशन के लिए 4 से 5,000 रुपये आपके खर्च होने वाले हैं अगर आप यहाँ पर लोकल ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो अदर खर्चा होता है, जैसे कि यहाँ की एंट्री फीस, एक्टिविटी करते हैं जो आप, और भी आपका जो अदर खर्चा होता है वो आपके ऊपर डिपेंड कर। मैं आपको यहाँ पर जो मेन बजट होगा वो मैं बता रहा हूँ, 20,000 रुपये में आप आराम से पटाया घूम सकते हैं। ये बजट मैंने सिर्फ पटाया का बताया है। इसके अलावा यहाँ पर आने में जो खर्चा लगेगा, वीज़ा कैसे मिलता है, ये सब आप मेरे पहले वाले वीडियोज़ में देख सकते हैं, तभी आपको पूरा समझ में आएगा। और जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा तो आप उन्हें ज़रूर देखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन हैं, कुछ डाउट हैं तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। और साथ ही ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और एक कॉमेंट करके ज़रूर बताना। साथ ही चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय।